अचो सही अचो। अरे भाई पीडीएफ 11 तारीख वाली। हिकिड़ो ई माण्हू आयो, 3D इमेज अथसि हा, वरी वकार, वरी सुमित, वरी फलाणो, सभिनी खे ॻंढे वियो। ये है भाई हमारा चैप्टर जो आज पढ़ना है हमें, जिसका नाम है सपोर्ट एंड मूवमेंट। सपोर्ट एंड मूवमेंट के बारे में कोचिंग तो नहीं पढ़ा रहा मैं, कि मैं आपको सिंपल तरीके से बताऊं कि बॉडी में इंसान को सपोर्ट कौन देता है। स्केलेटन। अब ये स्केलेटन के तो टाइप है ना तीन, हाइड्रो, एक्सो एंड एंडो स्केलेटन। हमारे पास कौन सा है? एंडो। सबसे जो छोटे और सिंपल होंगे उनके पास हाइड्रो स्केलेटन के दो चार एग्जांपल दे दें, यूनिसेल्यूलर में है ना, अर्थवाम में, जेलीफिश में, हाइड्रा में, ठीक है। ये हाइड्रो स्केलेटन है, इनके अंदर प्लेनेरिया में आपका हाइड्रो स्केलेटन है। चलो अर्थवाम में हाइड्रो स्केलेटन कैसे काम करता है पता है आपको? मसल की मदद से, पानी की मदद से, और छोटे छोटे दो पिंस लाइक स्ट्रक्चर सिटाई की मदद से लोकोमोशन में काम करता है, बाकी शेप को मेंटेन करता है हाइड्रो स्केलेटन। तो एक्सो स्केलेटन किन में पाया जाता है? एक्सो स्केलेटन, चलो आर्थ्रोपोड में काइटिन का एक्सोस्केलेटन है, और मोलस्कस में है मेंटल, जिसको कहते हैं मेंटल, वो पागल वाला नहीं, मेंटल जो शेल है। और वो कौन सा इनवर्टिब्रेट है? वो दो फाइलम के नाम बताएं जिनके अंदर एंडोस्केलेटन प्रेजेंट है। ओरिफेरा में एंडोस्केलेटन है, मगर वो लिविंग एंडोस्केलेटन है? लिविंग। नाम क्या है ओरिफेरा के एंडोस्केलेटन का? स्पिक्यूल। नहीं याद, स्पिक्यूल। स्पिक्यूल कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए सुई जैसे, कांटों जैसे स्ट्रक्चर जो सेल्स को मिला के रखते हैं। अच्छा दूसरा फाइलम बताएं जिनके अंदर एंडोस्केलेटन है। सिलेंड्रा में नहीं है, प्लेनेरिया में नहीं है, मतलब प्लेटी एलमिंथस, स्केल एलमिंथस में नहीं है। उसके बाद कौन सा फाइलम है? एनिलिडा में नहीं है, आर्थ्रोपोडा में नहीं है, मोलस्का में नहीं है, इकाइनोडर्मेटा में प्लेट्स हैं, कैल्केरियस प्लेट्स, यहाँ पे कैल्केरियस कांटे, उन कांटों को कहते हैं स्पिक्यूल। यहाँ पे कैल्केरियस प्लेट्स हैं जो स्टार फिश के आर्म्स में प्लेट लगी हुई है, ऐसे सबके अंदर है। ये दो ये केमिकल्स हैं इनका एंडोस्केलेटन डेड है, हमारा लिविंग है, हमारे बोन लिविंग लिविंग सेल के बने हुए हैं। तो हम इस चैप्टर में फोकस करेंगे ज्यादा स्केलेटन पर। स्केलेटन के अलावा हम मसल्स पर, और ये दो टॉपिक्स हैं आपके सिलेबस में, डिसऑर्डर भी पढ़ेंगे। अब स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को कि भाई सपोर्ट कौन देता है, मूवमेंट कौन देता है, करवाता है, उसके लिए ये आपका चैप्टर है। ऑर्गेनिज्म को सपोर्ट के लिए, फूड खाने के लिए, शेल्टर के लिए, लड़ने के लिए, झगड़े करने के लिए, कंपटीशन करने के लिए, बोन भी, एंडोस्केलेटन भी अच्छे वाला चाहिए, और मसल्स भी है ना, भागना है, दौड़ना है, लड़ना है, उठ के बैठना है, अच्छे अच्छे डिफरेंट काम करने हैं उनके लिए। उनके लिए इनके पास सिस्टम जो है वो सपोर्ट का और स्केलेटन का और मूवमेंट का अच्छा होना चाहिए। ये वाल प्रोग्राम यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। ह्यूमन स्केलेटन में, ह्यूमन स्केलेटन किस चीज का बना हुआ है? बोन एंड कार्टिलेज का। जब बच्चा पैदा
होता है पैदा होने से पहले, जब बच्चा बनता है तो पहले बनती हैं कार्टिलेज, सब कार्टिलेज बनती हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। फिर कार्टिलेज को कुछ को रिप्लेस करके कुछ बोन बनाए जाते हैं जो कि 300 होते हैं। पहले बोन कितने बनाए जाते हैं? पहले कार्टिलेज बनती है, फिर कार्टिलेज से कुछ बोन बनाए जाते हैं 300। बच्चे पैदा होने के बाद उन 300 बोन को रिड्यूस करके बचाते हैं 200। तो अभी 206 बोन है हमारी बॉडी के अंदर। अभी हमें स्ट्रक्चर पढ़नी है बोन की, कि बोन किस चीज का बना हुआ है, बोन के पार्ट क्या हैं, कितने पार्ट हैं बोन के, फिर बोन और कार्टिलेज में डिफरेंस पढ़ना है। तो भाई ये देखें, अगर मैं शॉर्टकट में आपको बताऊं, एंट्री के बच्चे हैं इसीलिए मैं कह रहा हूं शॉर्टकट में बताऊंगा, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं 5 मिनट में इसको ओवरलुक करवा के जान छुड़ाऊंगा, अपनी भी और आपकी भी, जल्दी जल्दी समझना है किसे को। ये जो मैं वाइट कलर से या थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लू कर लेते हैं, ब्लू कलर से ये जो मैं लेयर बना रहा हूँ, ये जो मैं लेयर बना रहा हूँ बोन की, ये बाहर बाहर वाली लेयर है, इसको हम कहते हैं पेरियोस्टियम। तो भाई ये लेयर कौन सी हो गई? क्या पेरियोस्टियम इधर से नहीं होगी? होगी। तो ये पेरियोस्टियम। अब पेरियोस्टियम के बाद अगर मैं अंदर वाला पोर्शन दूसरा बताऊं आपको, तो दूसरा जो पोर्शन है पेरियोस्टियम के बाद, उसे कहते हैं क्या? एंडोस्टियम की एक बात देखें, एंडोस्टियम की एक बात देखें, ये एंडोस्टियम अंदर वाला बोन है। एंडोस्टियम के कितने लेयर होते हैं? दो ना, एक मजबूत वाला बोन, क्या कहते हैं उसको? कंपैक्ट बोन। और दूसरा वाला सॉफ्ट वाला बोन, क्या कहते हैं उसको? स्पंजी बोन। तो ये कौन सा बोन बना रहा हूं मैं? स्पंजी बोन। मुझे बताएंगे कि ये चोटी है बोन की जे वाली, इसको इपीफाइसिस कहते हैं। इस चोटी को भी इपीफाइसिस, दोनों इपीफाइसिस। पहली इपीफाइसिस प्रॉक्सिमल इपीफाइसिस, आखिरी वाली डिस्टल, डिस्टल मतलब आखिरी। ये कौन सी चोटी है? पहली प्रॉक्सिमल, और ये वाली, ये प्रॉक्सिमल, ये डिस्टल। बीच वाला जो शेफ्ट वाला रीजन है, ये वाला, इसको कहते हैं डायाफाइसिस। तो भाई बोन के दो पार्ट हैं मेनली, तीसरा भी पढ़ा रहा हूं मैं, एक चोटियां, दो प्रॉक्सिमल और डिस्टल, और दूसरा बीच वाला शेफ्ट जिसको डायाफाइसिस कहते हैं। डायाफाइसिस और इपीफाइसिस के बीच ये जो ये एरिया है ना, ये वाला इसको मेटाफाइसिस भी कहते हैं। अगर तीन पार्ट्स कहे, यहाँ पे इसने खुद दो पार्ट बताए हैं, लिखने में तीन बता रहा है, तो ये मेटाफाइसिस है। ये क्या है? इधर से इधर तक ट्रांजिशन पॉइंट बिटवीन चोटी और बीच वाला शेफ्ट इज कॉल्ड एज मेटाफाइसिस। चलो मुझे बताएं, ये जो लाल कलर का बोन बना रहा था मैं, ये कौन सा बना रहा था? स्पंजी या कंपैक्ट? अच्छा, देख रहे हैं कि स्पंजी चोटी में ज्यादा है, इपीफाइसिस में ज्यादा है और डायाफाइसिस में। तो बोन के दो पार्ट हमने पढ़े, एक ब्लू कलर की बाहर वाली लेयर जिसको हमने कहा पेरियोस्टियम, और दूसरा अंदर वाला पोर्शन जिसको कहते हैं हम एंडोस्टियम। क्या एंडोस्टियम फर्दर कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट? एक्चुअल बोन क्या है, पेरियोस्टियम या एंडोस्टियम? एंडोस्टियम में भी एक्चुअल जो बोन का पार्ट है वो कंपैक्ट बोन है। इकड़ो दहाने वयो देर की जो छोकरो वयो बोलान वारो वरी बियो कोई आए अदा हलो कोई एकड़ो मिनट चक्कर हणी जो विनाय अचो हिकिड़ो ई आयो थी आयो
दरवाजो बंद करे बंदरियाज। अच्छो देखें भाई क्या मैं कह रहा था कि एक्चुअल जो बोन है वो कौन सा है, एंडोस्टियम या पेरी? एंडो में से भी कंपैक्ट, क्योंकि जो स्पंजी बोन है आपका कहाँ गया, स्पंजी बोन कहाँ लिखा हुआ है, ये 20% बोन का वेट करता है। और आपको पता है कि बोन के अंदर बोन मेरो होता है, बोन मेरो भी दो टाइप के होते हैं। एक बोन मेरो होता है येलो, ये जो येलो बोन मेरो होता है ना बॉयज, ये जो येलो बोन मेरो होता है ये बीच में होता है यहाँ पे। तो ये जो बोन मेरो बना रहा हूँ येलो वाला, वेट स्टोर करना ये वो इसका काम है, ठीक है, ब्लड बनाना भी इसका काम है। तो ये जो येलो बोन मेरो है कहाँ पे है, स्पंजी बोन के अंदर, बोन के केनाल के अंदर। तो बोन के अंदर बीच में खाली कैविटी है जिसको हम कहते हैं मेड्यूलरी कैविटी या बोन की बीच वाली केनाल। तो पेरिओस्टियम एंडोस्टियम एंडोस्टियम के दो पार्ट, कॉम्पैक्ट और स्पंजी, स्पंजी के अंदर मेड्यूलरी कैविटी, कैविटी के अंदर येलो बोन मेरो। दूसरा जो बोन मेरो है वो रेड बोन मेरो है, और वो जो रेड बोन मेरो है वो स्पंजी के अंदर है। 20% ब्लड स्पंजी बोन बनाता है, और अगर बोन में से वेट देखें तो भी स्पंजी का 20, ठीक है। स्पंजी कहां पे है ज्यादा, कहां पे? एपिफाइसिस में, डाया में भी है मगर थोड़ा थोड़ा है, ज्यादातर एपिफाइसिस में है। तो बुक में लिखा हुआ है कि जो एपिफाइसिस है ना ये 20% बोन बनाती है, तो आप स्पंजी को भी कह लें, ठीक है, और 20% जो है ब्लड बनाती है, तो आप स्पंजी को भी मान लें, भले बुक की लाइन ये है वो भी मान लिया जाता है। बाकी डायाफाइसिस है जो बोन का 80% वेट, 80% मास और 80% ब्लड यहाँ से बनती है डायाफाइसिस से, ठीक है। डायाफाइसिस में कौन सा बोन मेरो ज्यादा होता है, येलो, और येलो बोन मेरो कहाँ पे कम होता है, मतलब रीजन के हिसाब से देखें तो एपिफाइसिस में, और बोन के पार्ट के हवाले से देखें स्पंजी में येलो ना होता ही नहीं है। स्पंजी में क्या होता है, यहाँ पे बोन मेरो मैं कह रहा हूँ एपिफाइसिस में दोनों है, तो मैं ठीक कह रहा हूँ, एपिफाइसिस में स्पंजी बोन भी है, ठीक है, वहां तक ये मेडुलरी केनाल भी जा रही है, तो येलो बोन मेरो भी वहां पे है मगर थोड़ा है, ज्यादा स्पंजी बोन है तो ज्यादा रेड बोन मेरो है। चलो ये बोन के पार्ट हो गए भाई, बोन के पार्ट देखने के बाद अगर ज्यादा इसकी एनाटॉमी देखें, इसकी एनाटॉमी देखेंगे, अब देखें गौर से देखें, मैं अब यहां से अगर बोन को, चलो ये थोड़ा हुआ है, टूटा हुआ है, यहां से निकाला हुआ पार्ट है ये, तो मुझे बताएं यहां पे ऊपर ऊपर कौन सी लेयर है, पेरिओस्टियम होनी चाहिए ना, मगर क्या मैं कहूं कि ये जो बोन है ये वाला, इस बोन के ऊपर कार्टिलेज होगी, कौन सी कार्टिलेज होती है बोन के ऊपर, हाइलिन कार्टिलेज। कार्टिलेज के तीन टाइप पड़े हैं ना, एक हाइलिन जो बोन के टिप्स पर, ग्रोइंग बोन्स पर होती है, एक इलास्टिक सबसे पक्की और सबसे फ्लेक्सिबल इलास्टिक कार्टिलेज, ठीक है, वो कहाँ पे होती है, ईयर पिना में होती है, एपिग्लोटिस में होती है, और ये जो ट्यूब है आपके आवाज ऑडिटरी ट्यूब, और इनर और आउटर ऑडिटरी ट्यूब में ये होती है इलास्टिक। और तीसरी कार्टिलेज का टाइप क्या है, फिब्रो, जो सबसे हार्ड है, हार्ड है, देखेंगे हम कहाँ पे है, वर्टिब्रल डिस्क में, नी में है, पेक्टोरल गिर्डल में है, और कहाँ पे है, प्यूबिक सिम्फाइसिस में है ना, प्यूबिक सिम्फाइसिस में, चलो ये देखेंगे हम। तो भाई अब एनाटॉमी देख रहे हैं, हम देख रहे हैं किसकी, बोन की। तो ये देखें, ये बता रहा है कार्टिलेज, मतलब ये बाहर वाली कार्टिलेज है ना, समझ आ रही है ना। कार्टिलेज के बाद दूसरा पोर्शन अगर मैं दिखाऊं, ये वाला, ये यहां से लेकर यहां तक, ये वाला, ये क्या होना चाहिए, कंपैक्ट बोन के बाहर और पेरिओस्टियम के अंदर, सॉरी कार्टिलेज के अंदर, अगर ये मैं ब्लू कलर की सेम लाइन लगाऊं, ये वाली क्या हो गई,
यहाँ पे तो बाहर पेरिओस्टियम है ना, मगर यहाँ पे ऊपर पेरिओस्टियम के ऊपर कार्टिलेज भी होती है, समझ आ रही है बात? तो कार्टिलेज फिर पेरिओस्टियम फिर कंपैक्ट बोन इज द पार्ट ऑफ एंडोस्टियम। फिर ये जो पार्ट है ये स्पंजी बोन का पार्ट है। स्पंजी बोन का कलर कौन सा होता है? रेड। तो यहां पे स्पंजी बोन ज्यादा है ना, और कंपैक्ट बोन कम है। तो ये टुकड़ा डायाफाइसिस से लिया गया है या एपिफाइसिस से? एपिफाइसिस से। अगर डायाफाइसिस से लिया होता तो ये कंपैक्ट बोन इधर से इधर तक होता और थोड़ा स्पंजी होता। अच्छा मुझे बताएं यहां पे क्या है? मेडुलरी कैविटी, मेडुलरी कैनाल, और इसमें मेडुलरी कैनाल में आपका येलो बोन मेरो। तो ये यहां से लेकर यहां तक की डायग्राम बनी हुई है, मगर बुक वाले ने इतनी बनाई है, येलो बोन मेरो तक पहुंचा ही नहीं है। ठीक है, तो येलो बोन मेरो नहीं है भाई, अगर आएंगे अंदर तो फाइनली येलो बोन मेरो तक कैविटी तक पहुंच जाएंगे, इधर से आएंगे तो सेंटर इधर ही होगा। तो भाई सुने, ये जो ट्यूब्स हैं, ये किसके बने होंगे? सेल्स के बने होंगे ना, लाजमी बात है। स्पंजी को स्पंजी क्यों कहते हैं? क्योंकि उसके बीच स्पेस होती है। स्पेस क्यों होती है? सेल्स लूजली अटैच होते हैं, टाइटली लूजली। ये जो मैंने लकीरें बनाई हैं इनको ट्रेबिक्यूली कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रेबिक्यूली कहते हैं या ट्रेबिक्यूलाय कहते हैं। और ये सेल्स से बनी होती है, मगर सेल्स के बीच स्पेस होती है। तो ये जो स्पेस होती है इसमें कौन सा बोन मेरो होता है? रेड बोन मेरो होता है। ठीक है, तो स्पंजी बोन ट्रेबिक्यूली का बना है। और अगर कंपैक्ट बोन की बात करें तो कंपैक्ट बोन मुझे वहां पे बनाना पड़ेगा, और कंपैक्ट बोन यहां पे दिखाना पड़ेगा। ये नजर आ रही है कंपैक्ट बोन में एक, पता नहीं क्या है, आप बताएं। ये नीचे आ रही है ब्लड सप्लाई, ब्लड सप्लाई। और ये तो होल जो है साइड से कटा हुआ है, इस होल में भी तो ब्लड होगी ना, इसमें भी ब्लड होगी ना, इसमें भी। पता है ये कैसे हैं? अगर एक ब्लड वेसल को बाहर मैं निकालूं, ऐसे बनाऊं, ये ब्लड वेसल है, तो मैंने कैसे ब्लड वेसल का व्यू दिखाया? ऐसे या ऐसे? फ्रंट व्यू। तो फ्रंट व्यू, यहां पे ये बना हुआ है साइड व्यू, तो मैं अब फ्रंट व्यू बना रहा हूं इसका, कंपैक्ट बोन का। तो ये सारे का सारा इधर से लेकर इधर तक क्या है? ये कंपैक्ट बोन है। और कंपैक्ट बोन के बाहर कौन सी लेयर है? ये पेरिओस्टियम है। वाइट कलर की होती है पेरिओस्टियम, पतली होती है, कैल्शियम ज्यादा होता है। इधर से ब्लड वेसल इंटर होती है, तो ब्लड वेसल के इंट्रेंस की पॉइंट पेरिओस्टियम से है। ब्लड वेसल कंपैक्ट बोन में भी होंगी तो स्पंजी में भी होंगी, तो ये केनाल तक ब्लड वेसल होंगी, मगर ज्यादा ब्लड वेसल का जो प्रेजेंस होगा वो स्पंजी में होगा, और कंपैक्ट बोन में ब्लड वेसल होंगी मगर छुपी होंगी और तरीके से अरेंज होंगी, और उनके लिए जुदा जुदा केनाल बनी होंगी, उनमें प्रेजेंट होगी, क्योंकि ऐसे वैसे ब्लड क्रॉस नहीं कर सकती। तो उन केनाल्स को क्या कहेंगे? मैं बढ़ा रहा हूं। तो बहरहाल कंपैक्ट बोन में ब्लड कम होगी, उसके बाद पेरिओस्टियम से ब्लड इंटर होगी। अच्छा मुझे बताएं, पेरिओस्टियम और एंडोस्टियम में से टेंडन कहां पे अटैच होंगे? बाहर वाली पर। लिगामेंट कहां पे अटैच होंगे? पेरिओस्टियम। ब्लड सप्लाई पेरिओस्टियम को होगा, मगर डायाफाइसिस से ज्यादा होगा या एपिफाइसिस से ज्यादा होगा? एपिफाइसिस से ज्यादा होता है। पता है क्यों? वहां पे ब्लड को क्रॉस करने के लिए इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। माना के ऊपर से कार्टिलेज है, मगर ये जो ट्रांजिशनल मेटाफाइसिस रीजन है ना, यहां से एपिफाइसिस के इस रीजन से ब्लड सप्लाई ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द डायाफाइसिस। होती है डायाफाइसिस से भी, ओवरऑल बोन को ब्लड सप्लाई होती है। हाँ, अगर यहाँ पे ऊपर कार्टिलेज लग जाए तो इधर से ब्लड थोड़ी अंदर जाएगी, कार्टिलेज को ब्लड तो होती नहीं है, डायरेक्ट सप्लाई क्यों नहीं होती ये हम सीखेंगे। चलो भाई वापस चलते हैं, कहाँ पे क्या सीखना है हमें? कंपैक्ट बोन। तो कंपैक्ट बोन के अंदर ये हमने एक केनाल बनाई, केनाल के ऊपर ये एक लेयर,
ये दूसरी लेयर, ये तीसरी लेयर, ये चौथी लेयर, ऐसे लेयर्स होते हैं। इन लेयर्स को लैमेली कहते हैं, कंसेंट्रिक लेयर, मतलब एक के पीछे एक लेयर होती है। ये लैमेली कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल और कुछ इनऑर्गेनिक मटेरियल की बनी होती है। ये जो लैमेली है, तो भाई ये एक जो स्ट्रक्चर बन गया है, इसको कहते हैं ओस्टियोन, ओस्टियोन, ओस्टियोन। तो यहाँ पे ब्लड वेसल के पीछे इर्द गिर्द क्या होंगी, ये लैमेली होंगी। तो लैमेली और ब्लड वेसल की केनाल और उसमें ब्लड वेसल को मिला के ओस्टियोन कहेंगे। तो ये एक ओस्टियोन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ऐसे ओस्टियोन 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 मिला के इज इक्वल टू कौन सा बोन, कंपैक्ट बोन। बस ये याद रखना है, कंपैक्ट बोन ओस्टियोन से बना हुआ है और जो स्पंजी है वो ट्रेबिक्यूली से बना हुआ है। यहां तक क्लियर है? चलो भाई, कैंसिलस बोन किसको कहते हैं, कैंसिलस। तो कैंसिलस कहते हैं हम स्पंजी को, स्पंजी को। ये लिखा हुआ है, देखें नाम लेने से सामने आ गया। चलो भाई एक मिनट, कैंसिलस एपिफाइट्स, कैल्सिफिकेशन क्या है, कैल्शियम का डिपोजिशन इनटू द, कैल्शियम या कोई भी आयन हो उसका डिपोजिशन इनटू द बोन इज कॉल्ड एज मिनरलाइजेशन या ओसिफिकेशन भी तो कहे ना, है ना। मेड्यूलरी केनाल में बोन मेरो है, ठीक है, ओके। 20% ब्लड कहां से बनेगी, एपिफाइसिस से, डायाफाइसिस से। 80% जो बोन का मास है वो डायाफाइसिस का है। ऑस्टियोजेनिक सेल्स क्या हैं, मैंने कहा ना पहले पहले भाई जायगोट है, पहला सेल कौन सा है हमारी बॉडी का, जायगोट। अब जायगोट में कोई हड्डी वगैरह है, जायगोट ग्रो करता है मोरुला, ब्लास्टुला और गैस्ट्रुला। गैस्ट्रुला के बाद ऑर्गेनोजेनेसिस के दौरान आपके बनते हैं कार्टिलेज, कार्टिलेज फिर कुछ रिप्लेस होते हैं इनटू द बोन। तो वो सेल जिनसे, वो एम्ब्रियो के सेल, वो बच्चे के सेल जिनसे बोन बनते हैं, उन सेल्स को कहते हैं ऑस्टियोजेनिक। ऑस्टियोजेनिक खुद बोन नहीं है, वो बच्चे का सेल है जिससे बोन बन रहे हैं, जो डिवाइड होके बोन की स्टार्टअप कर रहा है, तो उसको ऑस्टियोजेनिक प्रोजेनिटर सेल्स कहते हैं। और कार्टिलेज बनाने वाले सेल को कोंड्रियोसाइट कहते हैं, कोंड्रियोब्लास्ट। दीज ऑस्टियोजेनिक प्रोजेनिटर सेल्स डेवलप इनटू ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट। तो ये मैं पढ़ाऊंगा कि पहले बोन के सेल के तीन टाइप होते हैं, ऑस्टियो ब्लास्ट, यही कन्वर्ट होगा ऑस्टियो, ये कन्वर्ट होगा इसमें, या ये कन्वर्ट होगा ऑस्टियो, ऑस्टियोक्लास्ट में। ये तोड़फोड़ करने वाला सेल है, जब फ्रैक्चर हो जाएगा तो टूटे हुए सेल्स को और तोड़ के सफाई करेगा और बाकियों को कहेगा आपस में जुड़ लो अभी, ठीक है। कैल्शियम की डिपोजिशन करेगा, मैट्रिक्स को खाएगा, कार्टिलेज को खाएगा, जब बोन बना, ये खाना पीना तोड़ना इसका काम है ऑस्टियोक्लास्ट का। फ्रैक्चर हो जाएगा जब, उस टाइम ये रिपेयर में रोल प्ले करेगा। एक्चुअल जब जो बोन का सेल है वो ऑस्टियोसाइट है। जो अभी आपके बॉडी में बोन के सेल्स हैं वो तीनों हैं, तीनों सेल्स प्रेजेंट हैं, तीनों सेल्स प्रेजेंट हैं। एक होते हैं ऑस्टियोसाइट, ठीक है, ऑस्टियोब्लास्ट। इनमें से कुछ बड़े हो जाते हैं, इवॉल्व करके ऐसे इरेग्युलर शेप बना लेते हैं, उनको हम कहते हैं ऑस्टियोसाइट। और कुछ सेल्स होते हैं जो बड़े हो जाते हैं और ये कहते हैं हम जब रिपेयर करने का टाइम हो तब हम इन सारे सेल्स को तोड़ना शुरू करेंगे, इनको इनको सबको मारना शुरू करेंगे, वो ऑस्टियोक्लास्ट। ये ऑस्टियोक्लास्ट है, ये ऑस्टियोब्लास्ट है और ये ऑस्टियोसाइट है। ऑस्टियोसाइट और ऑस्टियोक्लास्ट दोनों ऑस्टियोब्लास्ट से बने हैं। पहला बोन सेल जो है ऑस्टियोब्लास्ट होता है, ये आपको पता है। हाँ, ऑस्टियोब्लास्ट कहां से बना है और ऑस्टियोब्लास्ट मैच्योर होगा, तो मैच्योर कैसे होगा, जब मैं बोन की स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा और कार्टिलेज की, कि बोन के पास मैट्रिक्स है और मैट्रिक्स सारी फील्ड है विद कोलाजिन, है ना, और
कैल्शियम मैग्नीशियम आयंस, तो बोन का जो सेल होगा उसके बाहर अगर कोलाजन मैट्रिक्स सारी फिल्ड है, कोई खाली जगह लैक्यूना नहीं बची, तो ऐसे सेल को कहेंगे भाई ये सेल मैच्योर हो गया है। अगर सेल अभी बना है तो उसने मैट्रिक्स थोड़ी बनाई होगी, बाहर कोलाजन नहीं बनाई होगी, डिपोजिशन नहीं हुई होगी, तो वो रीजन भी सॉफ्ट होगा, वो सेल भी सॉफ्ट होगा, और सेल के बाहर खाली गलियां पड़ी होंगी, मतलब खाली मैट्रिक्स, मतलब उसमें कोलाजन भरी नहीं होगी। कोलाजन ये खुद बनाएगा ना, अभी नहीं बना पा रहा तो ये मैच्योर सेल है, इसको हम ऑस्टियोब्लास्ट कहते हैं। ऑस्टियोब्लास्ट नया बना है, साइज में छोटा है, और मैट्रिक्स फिल्ड है, अनफिल्ड है, अनफिल्ड है, नॉन मैट्रिक्सिफाइड सेल है, और सॉफ्ट रीजन में होगा, डिपोजिशन नहीं हुई होगी, मैट्रिक्स नहीं बनी होगी। जब ये मैट्रिक्स बना लेगा, मैच्योर हो जाएगा, कोलाजन बना लेगा, लैक्यूना को कम कर देगा, हार्डनेस को बढ़ा देगा, काम करेगा अपना, जो जो बोन के काम है, ब्लड बनाना, ये वो, जो भी बोन के काम है, सपोर्ट देना, कैल्शियम वगैरह ये वो रखना, हार्मोन रेगुलेशन करना, कहेंगे क्या। तो इनके बीच एक आधा ये भी होगा, ठीक है, हर किसी का अपना अपना काम है। हाँ, वो जो है ना, एक तो इसकी प्रोडक्शन इससे होगी, ऑस्टियोसाइट की, ऑस्टियोक्लास्ट की प्रोडक्शन दो तीन तरीकों से हो सकती है, ऑस्टियोब्लास्ट से हो सकती है, या डायरेक्ट फ्रॉम द प्रोजेनिटर सेल से हो सकती है, ऑस्टियोजेनिक्स। तो देखे ना, द ऑस्टियोजेनिक प्रोजेनिटर सेल डेवलपमेंट ऑस्टियोब्लास्ट। अब इसको क्या कहें, झूठा मान लें, है ना, नहीं माने है ना। तो टोटली जो बोन है, टोटल जो हमारा स्केलेटन है, वो इससे बनता है, विच सीक्रेट द बोन मैट्रिक्स एंड कोंड्रियोब्लास्ट। अब बताएं कोंड्रियोब्लास्ट कहां से आए, ब्लास्ट नहीं, इधर से आए हैं, इससे आए हैं, क्यों नहीं पढ़ा आपने, वकार भाई का थे काम पढ़े हुआ, मैं याद कहे, हाँ फ्रैक्चर में पढ़ाया है मैंने, फ्रैक्चर में पढ़ाया है कि बोन फ्रैक्चर हो जाएगा, तो फ्रैक्चर होने के बाद जो पेरिओस्टियम है, पेरिओस्टियम है, मैं पढ़ाऊंगा ये बात, मगर आपने सवाल पूछा है इसीलिए बता रहा हूँ, ये जो पेरिओस्टियम वाले सेल्स हैं ये ग्रो करेंगे, ऑस्टियोब्लास्ट बनाएंगे और फिब्रोब्लास्ट बनाएंगे, फिब्रोब्लास्ट बना के ये इनसे ही पहले कोंड्रियोब्लास्ट, ये सेल इनसे बनते हैं, पहले कार्टिलेज टाइप वो केलस होता है, क्या स्पंजी सॉफ्ट केलस होता है, फिर हार्ड बनता है, तो ये ऑस्टियोब्लास्ट से ही ये कोंड्रियोब्लास्ट बनता है, फिर इसकी जो ये जो है ना, ये कुछ भी बना सकता है, ये वाला ये कुछ भी बना सकता है, क्लास्ट भी बना सकता है, कोंड्रियोब्लास्ट भी बना सकता है, और ऑस्टियोसाइट भी बना सकता है, ऑस्टियोब्लास्ट। फिर हाँ, ये बोन का है ना, या पूरे सिस्टम का कह लें, पूरे प्रीकसर कार्टिलेज का भी, मगर कार्टिलेज डायरेक्ट नहीं बना रहा, ये बना रहा है, इससे हो रहा है डिसाइड के भाई कार्टिलेज बनानी है या बोन बनाना है, कोंड्रियोब्लास्ट डायरेक्शन देता है। परिपढ़ाऊं, द ऑस्टियोजेनिक प्रोजेनिटर सेल डेवलप इनटू ऑस्टियोब्लास्ट विच सीक्रेट बोन मैट्रिक्स एंड कोंड्रियोब्लास्ट। ये ऑस्टियोब्लास्ट मैट्रिक्स सीक्रेट करेगा तो कहेंगे ऑस्टियोसाइट, फिर ये ऑस्टियोब्लास्ट नहीं रहेगा, ऑस्टियोसाइट बन जाएगा, ठीक है, आगे डिटेल है ना, इसकी डिटेल आगे है इस लाइन की, और बनाएगा कोंड्रियोब्लास्ट। हाँ, विच सीक्रेट कार्टिलेज, वो कोंड्रियोब्लास्ट जो है वो कार्टिलेज बनाएंगे। शायद ये थी सगे दो इन्हीं के डिसाउंडा, इन्हीं के डिसाउंडा, तो कोंड्रियोब्लास्ट कदम आयो, इन्हें जो सवाल आ ना, कोंड्रियोब्लास्ट कदम आयो, कोंड्रियोब्लास्ट मां चवन तो यो ऑस्टियोब्लास्ट मां इन्हें जी मॉडिफिकेशन दी दिया आई ता चो ता लाइन जो मकसद आ था। हाँ, इन्हीं के समझाऊंगा, ये थी सगे दो पासी बोला, इन्हीं के समझाऊंगा, ऑस्टियोज प्रोजेनिटर डिटेल एकड़ो मिनट है पढ़ांस मायने के, कार्टिलेज चेंज होते हैं ना,
बोन्स में, उर्दू तो ये वो करें, एक्स से लिख रहे हैं एस, और ओस्टियो टूटे टूटे अल्फाज हैं, पता नहीं क्यों आधे आधे। एक मिनट भाई, बड़ा कर लूँ इस चैट को ताकि पढ़ पाऊँ आपकी चैट को, क्या कह रहे हैं आप। अभी चैट बड़ी है। फ्रैक्चर में कौन हेल्प करेगा? फ्रैक्चर पे आए तो देखेंगे पेरिओस्टियम के ओस्टियोब्लास्ट जो हैं वो काम करेंगे। ओस्टियोक्लास्ट का भी काम है, हर किसी का काम है अपने अपने तरीके से। एक लेवल पे ओस्टियोसाइट का भी काम है। स्टार्ट कौन करेगा? कार्टिलेज चेंज होते हैं बोन्स में, फिर ओस्टियोजेनिक प्रोजेनिटर का फंक्शन कैसे है, बोन फॉर्म करना, वरी वकार जी उपदड़ गाल। फिलहाल वकार वारो डाउट क्लियर कयूं था। यो ये पॉसिबल आ थी सके दो, जी वकार चवे दो ना, ये पॉसिबल आ थी सके दो। ता जेको प्रोजेनिटर सेल आ वो ओस्टियोब्लास्ट फॉर बोन ठाए, आई कोंड्रियोब्लास्ट फॉर कार्टिलेज ठाए। कार्टिलेज लाए ठाए तो कोंड्रियोब्लास्ट ठाई दो, उनमें डायरेक्ट कार्टिलेज, उनमें तो को कन्फ्यूज न रहंदी। पर बुक की लाइन के मैं दिसा तो मां थोड़ो कन्फ्यूज थिया दो। ओस्टियोब्लास्ट लेक्यूनी, लेक्यूनी क्या है, क्लियर है। ओस्टियोसाइट, ओस्टियोक्लास्ट, ये एमसीक्यूज में मैं डिटेल इनकी कवर करवाऊंगा। स्ट्रक्चर ऑफ कार्टिलेज पर आएंगे, स्ट्रक्चर ऑफ कार्टिलेज पर आएंगे। ये कार्टिलेज तीन टाइप्स के हैं, देखेंगे हम कौन कौन से तीन हैं, ये एमसीक्यूज में अच्छे से कवर करेंगे। बोन और कार्टिलेज के बीच डिफरेंस देख लें जल्दी में। बोन हार्ड है कैल्शियम और मैग्नीशियम की वजह से, फॉस्फेट की वजह से, और लेक्यूना फिल है इसी वजह से। और कोलाजन टाइप वन है जो कि हार्ड ज्यादा है टाइप टू से। और कार्टिलेज में कौन सी कोलाजन होती है? टाइप टू, याद रखना है। कार्टिलेज सॉफ्ट होती है। अब सॉफ्ट होने के रीजन क्या है? कैल्शियम नहीं है, मैग्नीशियम नहीं है, डिपोजिशन नहीं है, लेक्यूना पड़ी हुई है खाली जगह, मैट्रिक्स सही से फिल नहीं है, और सेल कम है, इंटर सेलुलर स्पेस ज्यादा है। ओस्टियोसाइट बनाएंगे और ये कोंड्रियोसाइट बनाएंगे, ठीक है। कैल्सिफिकेशन, बोन के अंदर कैल्सिफिकेशन होगी, मतलब ओसिफिकेशन मतलब मिनरलाइजेशन, और इसके अंदर नहीं होगी। कवर्ड बाय पेरिओस्टियम, कवर्ड बाय पेरिकोंड्रियम, कार्टिलेज की बाहर वाली कवरिंग को पेरिकोंड्रियम। और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, सपोर्ट भी देगा बॉडी को, मूवमेंट में भी रोल है बोन्स का डायरेक्टली नहीं, मसल की मदद से। अगर मसल बोन पर अटैच है तो मूवमेंट करवाती है ना, है ना। मैं क्या कहता हूँ कि मसल जो है वो इंजन है हमारी, और बोन जो है वो पहिए हैं, ठीक है ना। बोन और ज्वाइंट जो है हमारे पहिए हैं, व्हील है। तो मसल एक्चुअली हमें मूव करवाती है। ये इनका काम है सिर्फ ज्वाइंट को प्रोटेक्ट करना, कार्टिलेज का, शॉक एब्जॉर्ब वगैरह। पानी इनके अंदर कम होता है और उनके अंदर 80% होता है। ब्लड सेल, ब्लड सेल्स बोन मेरो से बनते हैं, बोन से बनते हैं, कार्टिलेज से नहीं बनते। भाई हीलिंग पावर किसका ज्यादा है? हीलिंग क्यों ज्यादा है? हीलिंग पावर ज्यादा। और ये कम रिपेयर क्यों करते हैं? क्यों हीलिंग कम है, ना होने के बराबर है? क्योंकि कार्टिलेज को डायरेक्ट ब्लड सप्लाई नहीं है। कोई ऐसी कैपिलरी नहीं को जो आर्टियोल कार्टिलेज मेंटर होके उसको ब्लड दे रही है, ले लो भाई खाओ पियो। तो कार्टिलेज को डायरेक्ट ब्लड सप्लाई ना होने की वजह से इसकी ग्रोथ डेवलपमेंट ये वो स्लो है, और जो बोन है वो जल्दी अपने आप को रिपेयर कर लेता है, ठीक है। फूड कैसे लेगा ये कार्टिलेज? सेल टू सेल फूड की मूवमेंट, मतलब डिफ्यूजन के थ्रू, बचा तो मिलेगा नहीं तो, ठीक है। मतलब इर्द गिर्द के मसल से, टेंडन से, लिगामेंट से। मुझे ये तो बताएं लिगामेंट और टेंडन के बीच डिफरेंस क्या है? टेंडन मसल की चोटी है जो मसल को बोन से अटैच कर दी है, टेंडन, और लिगामेंट बोन टू बोन ज्वाइंट को प्रोटेक्ट करती है कि ज्वाइंट जो है वो इधर उधर ना हो जाए, है ना, ठीक है। तो इलास्टिसिटी किस में होनी चाहिए, दोनों में या एक में? नहीं होनी चाहिए ना टेंडन में, टेंडन में नहीं होनी चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी, इलास्टिसिटी किस में होनी चाहिए? लिगामेंट में होनी चाहिए ना, नहीं तो ये आपका जॉइंट कैसे मूव करेगा? आपके बोन भी पक्के और लिगामेंट भी पक्की हड्डी जैसी, तो लिगामेंट किस काम की है? बोन को डिसलोकेट नहीं होने देती,
मगर मूव तो करने दे दिया ना अपने डायरेक्शन में। तो अगर लिगामेंट में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, इलास्टिसिटी नहीं होती, पक्की है, टूटती नहीं मगर फ्लेक्सिबल है, इलास्टिसिटी है, इलास्टिक नेचर है, लचक है, इसमें लिगामेंट में, और टेंडन में नहीं है, याद रखना, लगता है कि टेंडन में है मगर नहीं है। पाड़े सिरी जो पड़ोसी सेल होंगे ना, उनको उनको मिलेगी, मसलन जो मसल है, टेंडन है, लिगामेंट है, बोन की एपिफाइसिस है, तो एपिफाइसिस फूड यूज कर लेगी, थोड़ी बहुत ऑक्सीजन फूड बचेगा, तो वो फूड सेल टू सेल, सेल जाके कार्टिलेज के पास पहुंचेगा, कार्टिलेज वो एब्जॉर्ब कर लेगी पड़ोसियों का बचा हुआ। तो ये कार्टिलेज ट्रांसपेरेंट होती है या बोन? कार्टिलेज या बोन? चलो भाई हड्डियों पर आ गए हैं, हड्डियों के बारे में सुने, जल्दी सुने, मुझे बताएं कितने किस्म की, कितनी टोटल हड्डियां हैं हमारे अंदर? 206। कितने टाइप की? दो टाइप की, एक 80 बोन है जिनको हम कहते हैं सेंटर वाले एक्सियल बोन, और 126 बीन है साइड वाले अपेंडिक्यूलर पेरिफेरल बोन। एक्सियल बोन में किसके बोन आएंगे? खोपड़ी के 29 बोन, पहले हम 22 पढ़ते थे, अभी 29 पढ़ने पड़ेंगे नए बुक के अकॉर्डिंग, ठीक है। और उसके अलावा वर्टिब्रल कॉलम आपका 26 बोन, 33 है मगर 26 अभी काउंट करेंगे। उसके अलावा रिब्स जो है हमारी वो कितनी काउंट? 24 यानी 12 पेयर। एक हमारा स्टर्नम अकेला बोन, ये हो गए मेरे ख्याल में 80, ठीक है, ये 30 और 26, 24, 50 और 30, 80, ये 80 हो गए। अब स्कल में कैसे 29 हैं, कैसे 29 हैं? देखें भाई, ये आपका ये सामने वाला बोन है फ्रंटल बोन, ये साइड वाला ये वाला बोन है टेम्पोरल बोन, और ये ऊपर वाला ये पेराइटल बोन, ये पीछे वाला ओसीपीटल। तो टेम्पोरल कितने हैं, किधर से है, कुधर से? दो टेम्पोरल, एक फ्रंटल है ना, एक ओसीपीटल, ओसीपीटल एक ही है ये वाला, ये ओसीपीटल है एक ही। ये कौन सा है? ये वाला पेराइटल। और ये कौन सा है? ये टेम्पोरल है, ये पेराइटल है, ये फ्रंटल है, ये ओसीपीटल है। कितने हो गए? एक, 8 नहीं हुए ना, 6 हुए हैं, एक फ्रंटल एक ओसीपीटल, दो टेम्पोरल दो पेराइटल, 6। दो बोन जो है ना यहाँ पे अंदर ऐसे इधर है, स्फेनॉइड और इथेमॉइड जो मुंह को ब्रेन से सेपरेट कर रहे हैं, और आपके जो कौन सा ग्लैंड है पिट्यूटरी उसको जगह भी दे रहे हैं, खड्डा बना के दे रहे हैं। तो बोन हो गए 8 हमारे ब्रेन के अराउंड, इन 8 बोन को हम कहेंगे कौन से? क्रेनियल बोन। 8 हो गए क्रेनियल के बाद अभी फेशियल पे आ जाएं, तो फेशियल जो है वो 14 हैं। देखें कैसे 14 हैं, एक हमारा ये वाला क्या कहते हैं इसको, मैंडिबल, पढ़ के आए हैं ना मैंडिबल, और ये वाला जो बोन है ये मैक्सिला हैं, दो मैक्सिला हैं, ठीक है, ये मैक्सिला है, ये एक साइड से नजर आ रहा है, ये मैक्सिला है जो आपकी अपर जॉ बना रहा है। मैक्सिला कितने हैं? दो, एक मैंडिबल या डेंटरी बोन, मतलब लोअर जॉ जो सारे की सारी बनी हुई है एक ही हड्डी से बनी हुई है, अपर जॉ में 2 बोन है, और उसके ऊपर जो बोन है एक जो चीक्स बनाता है आपके, ये वाला आंख के नीचे, ये वाला आंख के नीचे, ये वाला इसको कहते हैं जाइगोमेट्रिक, ये वाला आंख के नीचे, ये वाला ये मैक्सिला और ये वाला जाइगोमेट्रिक, जाइगोमेट्रिक इधर से भी है 2। अब बाकी जो फेस के बोन है वो नाक के इर्द गिर्द और नाक में है, नाक के आगे अगर मैं नाक बनाऊं जुदा से, सेपरेट करके मैं नाक बनाऊं, तो सपोज करें ये पूरे का पूरा नाक है, अब नाक के मैंने साइड बनाए हैं, इनको मिलाया नहीं है, ठीक है, मिलाया नहीं है मैंने नाक को,
एक बीच में बोन है, इसको हम वोमर कहते हैं, बीच में बाइफर्गेट करता है, दो कैविटीज बनाता है, एक इधर से बोन है इधर तक, इधर से इधर तक, इसको कहते हैं इन्फीरियर नजल, इन्फीरियर नजल सेल, ठीक है, या इसको नजल बोन कहते हैं, सॉरी इन्फीरियर नहीं नजल, इसको नजल कहते हैं, नजल दोनों साइड से। अब इधर से दो और बोन है, इनको इन्फीरियर नजल कहते हैं, वो नजल दो इन्फीरियर नजल भी दो। उसके अलावा छोटी ये है ना, उसके अलावा यहाँ पे बोन है, यहाँ पे बोन है इधर से इन्फीरियर और नजल के बीच, ये इधर तक, इसको पेराइटल बोन कहते हैं, पेराइटल बोन। ये कौन सा था, प्लेटाइन, ये प्लेटाइन है, ये पेराइटल था, पेराइटल और प्लेटाइन में कंफ्यूज ना हो जाएं, मैं जैसे भूल गया अभी, ये प्लेटाइन, ये प्लेटाइन कहां से है, ये आपके नाक की जो क्या कहते हैं फ्लोर से ऊपर तक है, नाक की फ्लोर से, ये बुक में है नहीं, याद भले ना करें मगर मैं ऐसे बना बता रहा हूं, तो ये बढ़ जाता है, बड़ा हो जाता है इधर तक है, ऐसे ये ऐसे भी है इधर से, तो इधर ये है, बाकी आगे ये कोई बोन नहीं है, यहाँ पे कार्टिलेज है नाक के आगे शीशे में, कुछ भी कोई बोन नहीं है, आधे बोन से इधर पीछे बोन होते हैं, कितने बोन हो गए, दो नजल दो इन्फीरियर नजल दो प्लेटाइन, छः, और दो इधर से बोन होते हैं लेक्राइमल, लेक्राइमल ग्लैंड हो रहा है नाक के साइड में, जो टीयर्स प्रोड्यूस करता है उसको प्रोटेक्ट करते हैं ये बोन, नाक के साइड से लगे होते हैं ये वाले लेक्राइमल, कितने हो गए, आठ, और एक वोमर, नौ, ये नौ बोन ये हैं और पांच वो हुए, एक मैंडिबल, दो मैक्सिलर, दो जाइगोमेट्रिक, पांच और नौ, ये आपके चौदह बोन आपके फेस में हो गए, नाक के अंदर पांच नौ है, नाक के अंदर, ठीक है, लेक्राइमल वैसे साइड में है मगर मानते हैं नाक के अंदर, चलो उसके अलावा और बोन कौन से हैं, ईयर के कितने बोन है भाई, मेलियस इंकस स्टेपीज, सबसे छोटा कौन सा है, स्टेप्स जो है वो छोटा है, मेलियस इंकस स्टेपीज, ये तीन बोन इस कान में भी हैं उसमें भी हैं, बस इनको और क्या कहते हैं, ऑसिकल भी कहते हैं, कोकलिया भी कहते हैं, काम इनका क्या है, जो आवाज़ आता है, आवाज़ को कलेक्ट करना है, इज अ फंक्शन ऑफ ईयर पिना, ठीक है, और आवाज़ को अंदर भेजना, इनर ईयर, ईयर ड्रम का काम है अंदर भेजना, अंदर भेज के वो आवाज़ लगता है इन हड्डियों पर, हड्डियों पर लगते हैं, लगता है तो लर्जिश करती हैं, ये जो वाइब्रेशन करती है, इस वाइब्रेशन से खोपड़ी के पास मैसेज जाता है कि भाई आवाज़ आया है, तो खोपड़ी समझती है इसने बोला ए बी सी डी वॉट एवर, ठीक है, तो आवाज़ में ताकत होगी तो ये लर्जिश पैदा होगी, लर्जिश पैदा होगी तो आप सुनेंगे, अगर आवाज़ इतना स्लो है कि आपके ओसिकल को, कोकलिया को, यानी बोन को हिला ही नहीं पाएगा, मतलब आप लिप्स में बोल रहे हैं ऐसा आपके मुंह से आवाज़ निकल ही नहीं रहा, निकल रहा है तो किस्तों में आके हमारे कान तक पहुंच रहा है मगर खटखटा नहीं रहा अच्छे से, तो पढ़ाए ना 19 हर्ट्ज से ज़्यादा होना चाहिए, मतलब 20 होना चाहिए, 19 से कम या 19 नहीं सुन पाएंगे, तो ये काम है भाई इसका। चलो भाई ये हो गया, उसके अलावा एक और बोन है इधर से, इधर इधर से नेक में लगा होता है यू शेप, इधर से थायराइड ग्लैंड के ऊपर, इस पे जबान के सारे मसल और कहीं भी होते हैं, ज्यादातर इस बोन पर लगे होते हैं, जिसको हम हायोइड कहते हैं, एक बोन है जिसको हायोइड कहते हैं, ये अकेला है, कोई इस पर बोन के साथ इसका लेना देना नहीं, अकेला बोन है, तो ये टोटल बोन है हमारे स्कल के 29 हो गए, 1, 6, 7, 7 और 14, 21 और 8, 29। वर्टिब्रल कॉलम की वर्टिब्री कितनी है, पीछे वाली कोई पिक्चर है ही नहीं, 33 है मगर 26 काउंट करते हैं, हम देखेंगे ये वर्टिब्री जो है वो कितने टाइप की है, ये वर्टिब्री किस क्या कहेंगे इनको, कितनी है टोटल सर्वाइकल, 7। पहली सर्वाइकल का नाम है एटलस, दूसरी का नाम है एक्सिस, इसके इनके बारे में सुने, एटलस जो है ना ये दो ऐसे, इसको कोंडाइल हैं, ऐसे दो कोंडाइल हैं, दो कनेक्शन से ये हमारे खोपड़ी के
कौन से बोन से जुड़ी हुई है? ये कौन सा बोन है खोपड़ी का? ओसीपिटल से। तो डायकोंडाइल हमारा स्कल है, दो ज्वाइंट है हमारे वर्टिब्रल कॉलम के हमारे स्कल के ओसीपिटल से। हम अपने स्कल को हम कहते हैं डायकोंडाइल। डायकोंडाइल मतलब दो पहिए हैं, अगर चार ये कोंडाइल होते तो हमारी मुंडी ऐसे हिलती नहीं, ठीक है ना, फिक्स होती। दो हैं हमारी जो मुंडी है इधर उधर हिल रही है, ये दो कोंडाइल हैं हमारे एटलस के अंदर। तो एटलस हमारा कनेक्शन बनाती है वर्टिब्रल कॉलम का स्कल के साथ, तो स्कल हमारी सारी वर्टिब्रल कॉलम पे खड़ी हुई है। अच्छा, एटलस के बाद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो एक्सिस है। एक्सिस जो है ना वो हमारा सेंट्रल जो ग्रेविटी है बॉडी की उसको बैलेंस करती है, नंबर वन एक्सिस को बैलेंस करती है, तभी इसका नाम एक्सिस है। एक और बात जो पाइवेट जॉइंट में पढ़ाऊंगा, पाइवेट जॉइंट जहाँ पे है, पाइवेट जॉइंट बनाती है एक्सिस एटलस के साथ, जिसकी मदद से हम रोटेशन कर सकते हैं, मुंडी को हिला सकते हैं, ऐसे वैसे कनेक्शन इसका है एटलस का है, मगर उनको हिलाना मुंडी को इधर उधर करना खींचना इज द फंक्शन ऑफ एक्सिस। के पास ज़्यादा डेंस पोर्शन है साइड में, वहाँ पे ज़्यादा मसल अटैच हैं जिसकी मदद से हम इधर उधर ऐसे वैसे कर सकते हैं, ठीक है। ये ज्वाइंट मेनली काम करता है एटलस की वजह से, सॉरी बना हुआ है एटलस की वजह से, मगर इसकी जो फंक्शनिंग है वो एक्सिस की वजह से, इसीलिए इसे टाइटल छीना गया है कि पाइवेट ज्वाइंट एक्सिस के और एटलस के बीच है, ठीक है। हम देखेंगे पढ़ेंगे कि कैसा है इनके बीच कनेक्शन। अच्छा, सर्वाइकल के आगे आए, ये थोरेक्स के अंदर जो 12 रिब्स वर्टिब्री हैं इनको हम थोरेक्स कहते हैं। इनका काम क्या है? रिब्स को अटैचमेंट देना, एक एक वर्टिब्री पर दो दो रिब्स अटैच होंगे। अच्छा, इनके बाद जो है वो क्या है, 1 2 3 4 5 लंबर है, लंबर वर्टिब्री पेट के अंदर वर्टिब्री। इनका काम क्या है? इनका काम कुछ भी नहीं है, इनका काम मेन ये है कि इनके अंदर बोन मेरो बड़े काम का है। इनके अंदर जो ब्लड है वो ज़्यादा जाती है ज़्यादा आती है, ब्लड का जो कनेक्शन है इनसे ज़्यादा लेना देना है पूरे वर्टिब्रल कॉलम से। इसीलिए आप पेरिटोनियल जो डायलिसिस देखते हैं जहाँ पे कट करके कैथेटर ट्यूब डाल के हम इसी पेरिटोनियल वाल से उसको पहुँचाते हैं, और वहाँ से जो ब्लड वेसल होती हैं पेट के अंदर लगी हुई नियर टू द वर्टिब्रल कॉलम जाने के लिए तैयार होती हैं, उनसे लगा के हम वहाँ से फिल्ट्रेशन करते हैं, एब्जॉर्प्शन करते हैं, सफाई करते हैं ब्लड की। तो लंबर वर्टिब्री तीसरे नंबर पर, लंबर के बाद सेक्रल वर्टिब्री मोटे में मोटी वर्टिब्री हैं, पांच हैं, मगर पांचों की पांच क्यूज हैं, इनको एक ही काउंट करेंगे। क्या कहेंगे इनको? सेक्रल। सबसे मोटी वर्टिब्री हमारी सेक्रल हैं। सेक्रल के नीचे कोक्सीजियल कितनी है? चार है मगर एक काउंट करेंगे। सेक्रल कितनी है? पांच है मगर एक काउंट करेंगे, ठीक है। तो टोटल हो गई कितनी? 7 12 5 5 4 33 मगर काउंट करेंगे 26, ठीक है। ये 9 काट लेंगे इनकी जगह एक एक यानी 2, यानी 7 हमारी वर्टिब्री काउंट नहीं करते हम, ठीक है, ऐसा हो गया ना। चलो भाई, वर्टिब्रल कॉलम के बाद रिब्स के कितने टाइप हैं? एक रिब्स वो हैं जो कंटिन्यू हैं, आपके वर्टिब्रल कॉलम से अटैच हैं, आगे से स्टर्नम के साथ अटैच हैं। स्टर्नम के 3 पार्ट हैं, पता है आप सबको। मोटा मोटा जो पार्ट है स्टर्नम का, ये वाला इसको क्या कहते हैं? मेनीब्यूरम। इसको क्या कहते हैं? बॉडी को क्या कहते हैं? बॉडी। और इसको क्या कहते हैं? जायफाइड प्रोसेस। तो जो रिब्स हैं वो बॉडी के साथ अटैच हैं। मेनीब्यूरम के साथ आपका ये क्लेविकल हड्डा अटैच है, ठीक है, क्लेविकल बोन। और ये जो रिब्स हैं आपकी बॉडी के साथ अटैच हैं, कितनी अटैच हैं? 7 अटैच हैं डायरेक्टली, उनको कहते हैं ट्रू रिब्स। और 3 जो हैं 8वीं 9वीं और 10वीं इनडायरेक्टली 7वीं के थ्रू अटैच हैं, उनको हम फॉल्स कहते हैं, सीडो रिब्स कहते हैं। और 2 ऐसी हैं जो अटैच हैं ही नहीं, जो फ्लोट कर रहे हैं। क्या पीछे से अटैच नहीं है? पीछे से तो अटैच है ना, किसके साथ? वर्टिब्रल कॉलम के साथ। आगे से अटैच नहीं है, किसके साथ? स्टर्नम के साथ। तो ये रिब्स क्या बनाती हैं स्टर्नम के साथ मिला के? पिंजरा, इसको हम कहते हैं रिब केज।
चलो उसके अलावा वर्टिब्रल कॉलम के अलावा रिब्स के अलावा आप स्टर्नम पे आ जाएं तो स्टर्नम के तीन पार्ट हैं, सेंट्रल बोन है, चेस्ट बोन है, ब्रेस्ट बोन है, और ये हमारे बोन हो गए एक्सियल। अभी आएंगे हम अपेंडिक्यूलर पर, तो जो अपेंडिक्यूलर बोन है उनको किनको अपेंडिक्यूलर कहते हैं? अजमा इन्हें चैप्टर जी थेरी पढ़ाया दो गिला जे के चैप्टर होंदा ना इन मैं थेरी न पढ़ाई दो डायरेक्ट एमसीक्यूज कराई ताकि हेरिया दो तो मां थोड़ो थोड़ो तकड़ो थी वहां दो थेरी में ठीक है ना थेरी के खत्म करना वेंदा से अगर तां के न पढ़ी आयो घरों अगर तां सफासुल निभाग देखारियो एडो बाबा यो मेथड सही ना है पंज डी एमसीक्यूज छह डी भी मसला हल न था थन वो असा चुप करे सागो थेरी ते मोटी ना पर यो गलत रहंदो एमसीक्यूज करना से ना हाने छा गालियों पढ़ाऊंगा सुभाणे जरे थोड़ो इनके अजा पॉलिश कंदासे जी कल थोड़ा डाउट पड़िया थे तो कुछ सेटिंग हुई मां चवां तो तां पढ़ी अचो तो मां मुतमैन रहा मां मुतमैन थिया ही न तो तां पढ़ी आया हो अले छो अले पता वाकई ना पढ़ी ना पढ़ी अचो ना पढ़ी दा अचो पढ़ियला हलो अज दिल जाए थे थी अज दिल जाए थे थी छो जे कर मां तकड़ो हलां तो ओके कंदा हलो दा अरे मैं ये गाल कयम पर मुखे न पड़ी थी दिल जाए बस को सुभाने का एमसीक्यू शुरू भले हेलो बुदो अपेंडिक्यूलर स्केलेटन किसको कहते हैं? अपेंडिक्यूलर कहते हैं जो सेंटर पे ना हो। तो ये रिब्स तो सेंटर पे नहीं है भाई, फिर क्यों सेंट्रल में पड़ी हैं? स्टार्ट भी सेंटर से हो रही है और एंड भी सेंटर पे हो रही है। अच्छा मुझे बताएं कि क्लेविकल जो गया सेंटर से निकला तो है मगर वापस सेंटर पे अटैच है, इसीलिए इसको अपेंडिकुलर में पढ़ेंगे। ये पीछे वाला जो जो हड्डी है ये वाली ये किसमें काउंट करेंगे? अपेंडिकुलर। ये क्लेविकल और पीछे वाला स्केप्यूला ये दोनों अगर ना होते तो हमारी आर्म अटैच होती हमारे बॉडी से, हमारी आर्म अटैच है हमारे वर्टिब्रल कॉलम से, वर्टिब्रल कॉलम से डायरेक्टली नहीं इन दो की मदद से, और अटैच है स्टर्नम के साथ डायरेक्टली इन दो की वजह से। किन दो की वजह से? तो क्लेविकल और स्केप्यूला को हम कहते हैं ये एक गिरडिल है। गिरडिल कहते हैं ऐसे हड्डियों को जो साइड वाले बोन को, लिम्स को, पेरिफेरल बोन को सेंट्रल बोन से जोड़ने का काम करें उनको गिरडिल कहेंगे। गिरडिल दो तरह के हैं, बाहों को जोड़ने वाले, टांगों को जोड़ने वाले। बाहों को जोड़ने वाले शोल्डर गिरडिल या पेक्टोरल गिरडिल, ठीक है। पेक्टोरल गिरडिल टोटल कितने हैं? उनमें हड्डियां कितनी है? चार। इधर से भी क्लेविकल, इधर से भी क्लेविकल, इधर से भी स्केप्यूला। एक क्लेविकल, एक स्केप्यूला, एक गिरडिल है, एक आम को जोड़ेगा। दूसरा क्लेविकल, क्लेविकल इधर से किसके साथ अटैच है? स्टर्नम के मेनिप्यूरम के साथ, और स्केप्यूला इधर से वर्टिब्रल कॉलम के साथ अटैच है, और इधर से दोनों आम से अटैच हैं, ठीक है। पढ़ेंगे कि सॉकेट कौन बना रहा है इस बोन के लिए, अटैचमेंट के लिए। सॉकेट का नाम याद है क्या? सॉकेट का नाम, खड्डे का नाम ग्लेनोइड कैविटी है ना, और इस सॉकेट का नाम याद है यहां पे एसीटाब्यूलम। चलो ठीक है, गिरडिल। तो इस गिरडिल में चार हड्डियां, ये देख रहे हैं ये लाल कलर का हड्डा, ये बड़ा वाला, ये जो हड्डी है ना ये वाली, इसको हम कहते हैं इनोमिनेट बोन। क्या कहते हैं? इनोमिनेट बोन। ये भी क्या है? इनोमिनेट बोन। अब इनोमिनेट बोन के तीन पार्ट्स हैं, एक का नाम है इलियम प्लेट, इस्चियम, नीचे वाला प्यूबिस। प्यूबिस प्यूबिस के साथ यहां पे अटैच है एक कार्टिलेज के साथ, जिसको प्यूबिक सिम्फाइसिस कार्टिलेज कहते हैं हम, है ना। तो इलियम इस्चियम प्यूबिस, इलियम इस्चियम प्यूबिस को मिला के एक ही बोन कहते हैं इनोमिनेट, यानी बोन एक ही है ये, मतलब टोटल दो बोन है और एक बोन फॉर एक लेग, दूसरा बोन फॉर दूसरी लेग, है ना। तो यहाँ पे गिरडिल दो बोन का बना हुआ है, ये गिरडिल एक ही बोन का बना हुआ, दो गिरडिल तो दो बोन है। तो एक गिरडिल में चार बोन है, इस गिरडिल में दो बोन है, टोटल गिरडिल्स में छः। तो 126 में से 126 में से छः बोन जो है वो गिरडिल्स में है, बाकी 120 हमारे
लिम्स में है, और लिम्स में बोन कौन से हैं, इस बोन को क्या कहते हैं, फीमर, सबसे बड़ा बाजू का बोन, इसको कहते हैं रेडियस अल्ना, अल्ना इसको कहते हैं रेडियस, रेडियस अल्ना, रेडियस अल्ना के बाद ये जो रिस्ट वाले बोन हैं आठ, क्या कहते हैं, कार्पल, और ये जो पाम वाले पांच बोन हैं, पांच है ना, मेटाकार्पल, ठीक है, और जो फेलेंजेस वाले हैं तीन 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 तीन, एक में दो, 14 बोन फेलेंजियल बोन, तो 30 हो गए, इस बाजू में भी इतने हो गए, टांग पर आए तो इस बोन का नाम क्या है, ह्यूमरस या थाई बोन, सबसे बड़ा बोन, और इसका बड़े मोटे का नाम टिबिया, और पतले का नाम फिब्यूला, टिबिया फिब्यूला, टिबिया फिब्यूला, टिबिया फिब्यूला। अब टिबिया फिब्यूला के बाद अगर पैर के अंदर आए तो रिस्ट में जैसे बोन थे यहां पे भी बोन है, 7 बोन है, नाम क्या है, टार्सल। एक इधर पे प्लेट लगी हुई है जो आपको जाहिर नहीं हो रही, इसका तो मुंह पीछे है, प्लेट इधर से नहीं है भाई, इधर से प्लेट लगी हुई है ना। नहीं नहीं इधर से पटेला, पटेला एक है नी बोन, इससे मसल के लेने देने पड़ेंगे हम, कैसे गुजरती हैं ये वो, तो एक हिमरस, एक पटेला, 2 टिबिया फिब्यूला, मतलब 4 बोन हो गए, और 7 जो हैं टार्सल हैं, 5 मेटा टार्सल, 14 फेलेंजल, 30 बोन इस टांग में, तो इसमें भी 30 हैं, हड्डियां आपकी पूरी हैं। कल से हम जॉइंट्स को देखेंगे भाई, ठीक है, ये जॉइंट्स हैं आपके, जॉइंट्स को समझ के पढ़ना है, ये जॉइंट कहां पे है, सेडल, सेडल लिखा हुआ है ना, सेडल कैसा है, सेडल एक हड्डी में खड़ा होगा, इसमें खड़ा है देखें ये, और दूसरा जो हड्डा है उस खड्डे के अंदर ऐसे फंसा होगा, मूवमेंट कैसे करेगा, इधर उधर, इधर उधर, है ना, ठीक है, तो ऐसे मूवमेंट करेगा, हिंज जॉइंट, समझाने के लिए, रियल में ऐसा नहीं है, रियल में कैसा है मैं बताऊंगा, ठीक है, ये प्लेन या इसको क्या कहते हैं, और प्लेन को और क्या कहते हैं, ग्लाइडिंग जॉइंट, ग्लाइडिंग, ग्लाइडिंग, केंडलॉइड को और क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, इलिप्सॉइड जॉइंट, इलिप्सॉइडल या केंडलॉइड सेम बात है, कहां पे होगा, केंडलॉइड और सेडल में फर्क क्या है, एक कॉनकेव है दूसरा कॉनवेक्स है, अगर केप की तरह है शक्ल उसकी चेंज है, ये कल देखेंगे हम, ठीक है, ये कौन सा है, ये भी बॉल एंड सॉकेट, ये पाइवट कहां पे, पाइवट यहां पे, C1 C2 सर्वाइकल 1 और 2 एटलस एक्सिस पे लिखा हुआ है, मगर फीमर मां छाचे हो ये मलाने, ह्यूमरस फीमर थाई बोन, बधाने नए बुक फिगर डेई शरीवन छा कयूं।